गाइस आप स्वागत है तबाही न्यूज में। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज आपके लिए है बहुत ही जबरदस्त न्यूज। Redmi ने कमाल कर दिया है, अपने दो जबरदस्त डिवाइसेस लॉन्च कर दिए हैं चाइना में, जो कि हैं Redmi Note 8 और Note 8 Pro। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi के Note 8 Pro के बारे में। जो Note 8 है वो मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, उसके अंदर एक्चुअल में गड़बड़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या गड़बड़ है। आज बात कर लेते हैं हम सबसे जबरदस्त फोन के बारे में जिसने आग लगा देनी है पूरी मार्केट में। डिवाइस है हमारा Redmi का Note 8 Pro। मैं आपको बताती हूँ इस डिवाइस के बारे में और आपने करना है एक जरूरी काम, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इस डिवाइस का कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा और आपके हिसाब से इसका प्राइस कितना होना चाहिए। याद रखिएगा कि कंपनीज के लिए आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है, तो जरूर कमेंट करिए। अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इस तबाही फोन के बारे में। सबसे पहले तो Redmi पहला ब्रांड बन जाता है जिसने लॉन्च किया है 64 मेगापिक्सल वाला फोन। आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी Realme XT की, जो कि फटाफट से जल्दबाजी में अनबॉक्सिंग करवाई गई थी ताकि Realme पहला ब्रांड बन जाए 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। लेकिन एक्चुअल में ऑफिशियली Realme XT का लॉन्च नहीं हुआ है, ऑफिशियली लॉन्च हुआ है हमारे Redmi के Note 8 Pro का 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। तो इसीलिए Redmi नंबर वन ब्रांड बनता है, सबसे पहला ब्रांड बनता है इस कैमरा के साथ। Realme जब लॉन्च करेगा तब आएगा वो बात में। So, Redmi Note 8 Pro में सबसे मेजर हाईलाइट आता है कैमरा सेटअप। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है आपको, जिसके अंदर आपको GW1 का सेंसर मिलता है और इसके साथ तीन और कैमरास मिलते हैं, मतलब टोटल चार कैमरास मिलते हैं। 64 के बाद हमें 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो लेंस मिलता है। मतलब कि कैमरा वाइज देखा जाए तो भी ये डिवाइस हमारा बहुत ही सॉलिड एकदम जबरदस्त होने वाला है। इसके अंदर आपकी पिक्स कमाल की आएंगी, एक तो 64 वाले से ही कमाल की आएंगी, साथ ही आपको वाइड एंगल भी मिल रहा है, मैक्रो शॉट भी मिल रहे हैं, डेप्थ में भी आप बढ़िया पिक्स ले सकते हैं। और साथ में बढ़िया चीज ये है जो कि Redmi के Note 7 Pro में नहीं थी, मतलब सेल्फी कैमरा जो था उसका हमारा वो ओके था, ज्यादा बढ़िया नहीं था। लेकिन इस बार इसके सेल्फी कैमरा में भी आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि हमें Redmi के K20 Pro में मिला था। तो आपकी बैक कैमरा से भी पिक्स धांसू आएंगी और सेल्फी कैमरा से भी धांसू आएंगी। कैमरा वाइज तो ये डिवाइस हमारा कमाल होगा, लेकिन आगे और भी फीचर्स हैं। ये डिवाइस हमारा एक गेमिंग बीस्ट भी बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको MediaTek का सबसे पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो कि फर्स्ट टाइम यूज किया गया है MediaTek Helios G90T का प्रोसेसर। बहुत ही जबरदस्त एकदम तगड़ी वाली आपको इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। जितने भी गेमर्स हैं पबजी जो खेलना चाहते हैं वो इस डिवाइस को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। डिवाइस के अंदर परफॉर्मेंस तगड़ी है, गेमिंग करने में आपको मजा आएगा और साथ में इसके अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है, मतलब ज्यादा देर गेमिंग करेंगे एकदम हाई सेटिंग्स पे खेलेंगे तो भी डिवाइस आपका हीट नहीं होगा। मतलब गेमिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है, कैमरा वाइज भी ध्यान रखा गया है। साथ में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी डिवाइस के लिए बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसके अंदर आपको बैटरी भी जबरदस्त मिलेगी। Redmi के अंदर हमें देखा जाए तो 4000 mAh की बैटरी मिलती थी, लेकिन इस बार आपको मिल रही है 4500 mAh की बैटरी। थोड़ी बैटरी और बढ़ा दी गई है ताकि आप अपने एंटरटेनमेंट को कंटिन्यू रखें, कोई टेंशन ना लें। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जैसे कि Redmi के मैंने काफी सारे फोन्स का ड्रेन टेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर हमें बैटरी बैकअप बहुत सॉलिड मिलता है। तो इस बार बैटरी जब बढ़ा दी गई है तो आपको बैटरी बैकअप भी मेरे हिसाब से और बढ़िया मिल जाएगा। और साथ में वैसे तो चाइना में जो लॉन्च किया है उसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर है, अगर इंडिया में भी इस बार 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही दे देता है Xiaomi, तो ये कंप्लीट डिवाइस बन जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं बचती। अब साथ में डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, हमें 6.53 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में। डिस्प्ले हमें एमोलेड नहीं मिल रहा, लेकिन बीजल्स वाइज अगर देखा जाए तो डिस्प्ले के अंदर बीजल्स आपको काफी कम मिलेंगे और देखते हैं जब डिवाइस हमारे पास आएगा तो उसके अंदर ब्राइटनेस हमें कैसी मिलती है और गेम खेलने में वीडियोस देखने में हमें कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। साथ में ग्लास बॉडी मिलेगी आपको डिवाइस के अंदर, मतलब बढ़िया फिनिश बढ़िया लुक मिलेगी।
और अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बार Xiaomi ने भी कलर्स पे वर्क किया है। आपको तीन कलर्स की ऑप्शन मिल रही है, एक है हमारा ब्लैक कलर, एक है ग्रीन कलर और उसके साथ व्हाइट कलर। ग्लास बॉडी डिजाइन एक तो पहले ही लुक वाइज फिनिश वाइज कमाल के लगते हैं, और अगर वो हमारे पास व्हाइट कलर में हो तो वो एकदम क्लास अपार्ट नजर आते हैं। तो मुझे तो एक्चुअल में व्हाइट कलर ग्लास बॉडी में बहुत ही क्लासी लगता है। आप लोग जरूर बताइएगा आपको तीनों में से कौन सा कलर बढ़िया लगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डिवाइस की प्राइस की। प्राइस देखा जाए तो हमारे देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, पता चलता है डिवाइस चलेगा या नहीं चलेगा। और Xiaomi जो है वो अपने प्राइसेस को हमेशा बढ़िया रखता है, मतलब आपको कम पैसे में ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश करता है। वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस हमें मिलते हैं, और इस बार इसके अंदर हमें दो वेरिएंट मिलेंगे, 6GB 64GB और 8GB 128GB, और प्राइस जो बाहर लॉन्च हुआ है उसके हिसाब से आपको 14,000 से स्टार्टिंग प्राइस मिलेगा। तो देखा जाए प्राइस भी मेरे हिसाब से धांसू रखा गया है, इतने सारे फीचर्स डाले गए, इतना कमाल का डिवाइस लग रहा है। चाहे आप इसकी लुक देखें, चाहे कैमरा सेटअप देखें फ्रंट बैक कोई भी, या फिर परफॉर्मेंस देखें या बैटरी बैकअप देखें, इसको तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए। मैं टेस्ट करना चाहती हूँ, गेम खेलना चाहती हूँ देखने के लिए कि कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, हो सकता है हमारे इंडिया में अगले महीने तक लॉन्च हो जाए। जैसे ही लॉन्च होता है मैं शेयर करूंगी आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग और सारी टेस्टिंग। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट करें लाइक बटन को और साथ ही शेयर करें।